हेलो जी, नमस्ते। आज जा रहे हैं हम घूमने बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में, यानी कि आज जा रहे हैं हम देवोत्सिद में। देवोत्सिद में बाबा बालकनाथ जी का मुख्य मंदिर है और वहाँ पर बाबा बालकनाथ जी की गुफा भी है और अखंड दुणा भी है। बाबा जी का मंदिर धौलगिरी पर्वत में बना हुआ है, इसी पर्वत को देवोत्सिद भी कहा जाता है। देवोत्सिद घूमने के बाद हम जाएंगे सातलाई। सातलाई में बाबा जी 12 साल रहे थे और माई रत्नु की गौ चराई थी। तो चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग गाइस, तो आज जा रहे हैं हम देवोत्सिद, यानी कि आज जा रहे हैं हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में। तो बाबा बालकनाथ मंदिर जाने से पहले मैं आप सबको पूछ लेता हूँ, तो हाँ जी, फिर क्या हाल चाल आप सबके? सब बढ़िया, हिप हॉप एंड टिप टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलो आज देवोत्सिद चलते हैं और करते हैं बाबा जी के दर्शन। ये ट्रिप हमारा नेरचौक से स्टार्ट हुआ है, अभी हम नेरचौक में हैं। नेरचौक हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। यहाँ से देवोत्सिद की दूरी लगभग 69 किलोमीटर है। देवोत्सिद जाने के लिए हमारा जो रोड है वो रहेगा कलखर, जाहू, भोटा और बड़सर। अभी हम कलखर पहुँच चुके हैं, यहाँ से अभी काफ़ी जाना है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये जाहू का है। ब्रिज के इस साइड से हम आ रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और जब हम ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एंटर कर लेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एंटर कर चुके हैं। जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आता है। हमीरपुर से देवोत्सिद की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और बड़सर से 16 किलोमीटर है। अगर आप पंजाब से आ रहे हैं तो ऊना से 62 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से 185 किलोमीटर है। पंजाब और हरियाणा से भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। हम पहुँच गए हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के बहुत करीब। ये जो आपने अभी बिल्डिंग देखी ये सराय नंबर 9 है, जो कि धौलगिरी नाम से है। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार कर ली है, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटा सा बाजार बाबा बालकनाथ जी के मंदिर का है, यानी कि देवोत्सिद का है। ये जो आप प्रसाद देख रहे हैं, यानी कि रोट देख रहे हैं, ये बाबा बालकनाथ जी का प्रिय प्रसाद है। ऐसे रोट आप घर से भी बना के ला सकते हैं, अगर नहीं बना पाओगे तो इस मार्केट से आप इनको खरीद सकते हैं। भारती ने पकड़ लिया है प्रसाद। अब हम गेट नंबर 5 में पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई ये सीढ़ियाँ सीधी हमें मंदिर के पास पहुँचाएगी। मंदिर के लिए जाने के लिए अभी हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। थोड़ा सा पैदल चलने का रास्ता है, ज़्यादा तो है नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा है। तो चलो चलते हैं आगे। देखो जी, बहुत से लोग यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं अपने, जैसे कि पहली बार बाल कटवाते हैं तो अपनी अपनी मन्नत होती है। कोई अपने कुल देवता के वहाँ पर कटवाते हैं और कोई यहाँ पर। तो चलो आगे चलते हैं। मंदिर परिसर में आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो हमें इस गेट के आगे अपना फ़ोन बंद करना पड़ेगा, यानी कि वीडियो नहीं बनाना पड़ेगी। गुफा के अंदर बाबा बालकनाथ जी के ऐसे दर्शन हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो में। अभी हमने बाबा जी के दर्शन किए, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम सातलाई जाएंगे, इसके बाद पहले कुछ खा लेंगे फिर सातलाई जाएंगे। तो चलो चलते हैं। यह है जी देवोत्सिद, काफ़ी सुंदर और प्यारी जगह है और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। ये देखो क्या प्यारा व्यू है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसे कहते हैं धौलगिरी पर्वत। तो गाइस ये था देवोत्सिद, इसके बाद जाएंगे अब हम सातलाई। तो चलो चलते हैं। सातलाई की दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं है तो इसलिए अब हम भी सातलाई जा रहे हैं, जहाँ पर बाबा जी ने गौवा चराई थी रत्नोमाई की। तो चलो चलते हैं। देवोत्सिद से सातलाई की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। बाबा बालकनाथ जी के नाम के आगे सिद्ध लगता है, यानी कि सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। हमारे सनातन धर्म में सिद्ध बाबा 84 हुए हैं, उनमें से एक सिद्ध बाबा बालकनाथ जी भी है। इसी रोड में आपको बाबा बालकनाथ जी का एक सुंदर सा भवन भी दिखाई देगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सातलाई। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये सातलाई की है। सातलाई में रत्नुमाई की 12 साल की रोटियां
और जो लस्सी का कुंड है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक वट वृक्ष भी है, उस वृक्ष के पास रोटियाँ भी है, उनको भी दिखाऊंगा। जो ये वट वृक्ष है ये बहुत पुराना है, कहा जाता है बाबा अलकनाथ जी के टाइम का वृक्ष है। ये है वो वट वृक्ष, ये वाला काफी पुराना वट वृक्ष है। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ से अब हम एंटर करेंगे। ये मुख्य गेट है बाबा जी के मंदिर के लिए जाने के लिए। हम पहुंच गए वट वृक्ष के पास। ये वो वट वृक्ष है, काफी पुराना इसको कहा जाता है कि बहुत पुराना ये वट वृक्ष है, और अभी तक वैसा का वैसा ये हरा भरा। इस वट वृक्ष के नीचे आप अखंड धूना भी देखेंगे जो कि हमेशा जला रहता है। सातलाई बहुत प्यारी जगह है, अगर आप देवर सिद्ध आते हैं तो इस जगह में जरूर आना चाहिए, तभी आपकी यात्रा संपन्न मानी जाती है। या पहले यहाँ पर आए फिर उसके बाद देवर सिद्ध जाएं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो रोटियों वाला स्थान है उसको। जब बाबा अलकनाथ जी को रत्नुमाई ने रोटियों का ताना मारा था, तब बाबा अलकनाथ जी ने जो 12 साल की रोटियाँ थी वो रत्नुमाई को सौंपी थी। तो ये वो स्थान है, यहाँ पर रत्नुमाई को उनकी 12 साल की जो रोटियाँ थी उनको वापस किया था। रत्नुमाई बाबा जी के लिए लस्सी भी लाते थे। वो स्थान आ गए हैं, उसको मैं दिखाता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं लस्सी वाले स्थान में। बाबा अलकनाथ जी भोलेनाथ जी के प्रिय भक्त माने गए, क्योंकि उन्होंने कलयुग में भी भोलेनाथ जी के दर्शन किए थे। बाबा अलकनाथ जी को भोलेनाथ का ही स्वरूप माना जाता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लस्सी वाला स्थान। जय बाबा। तो गाइस ये है वो स्थान जहाँ पर रत्नुमाई जी को बाबा अलकनाथ जी ने उनकी 12 साल की लस्सी वापिस की थी। जैसे ही बाबा अलकनाथ जी ने अपना चिमटा नीचे जमीन में गाड़ा, वैसे ही यहाँ पर लस्सी की धाराएं निकल गई थी। अभी भी ये जगह हल्की गीली रहती है, मानो कि अभी भी यहाँ पर लस्सी हल्की हल्की निकलती है। ये मंदिर सातलाई बस स्टैंड के बिल्कुल ही पास है, यहाँ पर ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। इस स्थान की दूरी बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर की होगी या इससे कम भी हो सकती है। यहाँ पर बस स्टैंड से आप पैदल भी आ सकते हैं या अपनी व्हीकल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो अथारा? क्या कर रहे हो बेटा? धूप कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो धूप? तो गाइस ये था सातलाई। पूरा ब्लॉग देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चंगा, फिर मिलते हो अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय।